हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स पर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जिस टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग करेंगे ओलंपिक 2021 में कितने एथलीट क्वालिफाई किए हैं ओलंपिक 2021 में जाने के लिए भारत की ओर से। ये जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उसमें यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं। अभी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम चल रहा है, 7th फेज वाला, आज लास्ट है, 31 जुलाई है। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया कि जो फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी के लिए ओलंपिक 2021 में कौन सी खिलाड़ी गई है। तो भवानी देवी है जो फर्स्ट है और वो गई है। अगर आप इसके बारे में जानते तो आप जरूर जवाब दे पाते। तो ये ओलंपिक 2021 में क्वालिफाई जितने भी एथलीट हैं, इस ये पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें केवल क्वालिफाई किया है उसके लिए उससे नहीं पूछा जाएगा, खिलाड़ी का नाम देकर उससे संबंधित खेल पूछ लिया जाएगा, कौन से खिलाड़ी किसमें क्वालिफाई किए हैं ये पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह से ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। विश्व भर में खेल की बात की जाए तो ओलंपिक खेलों का अहमियत सबसे ज्यादा है। दुनिया भर के खिलाड़ी ओलंपिक खेलों का हिस्सा बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और अपने अपने देशों को, देश के गौरव को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस बार भारत की ओर से किन खिलाड़ियों ने किस खेल में क्वालिफाई किया है। और इस बार हम जानते हैं 100 से ज्यादा खिलाड़ी ओलंपिक में गए हुए हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में इस बार इंडिया से गए हुए हैं। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि विश्व में सबसे बड़ी संख्या में, इंडिया से इस बार सबसे ज्यादा संख्या में जाने वाले खिलाड़ी ओलंपिक 2021 में है। और हम इस खिलाड़ियों के नाम उसके श्रेणी के अनुसार देखेंगे जिससे आपको पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जरूर इसका जवाब दे पाएंगे। थोड़ा सा पहले हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। जैसे कि ये जो ओलंपिक 2021 है, होस्ट सिटी कौन है, तो होस्ट सिटी है टोक्यो, टोक्यो जापान। इसका मोटो क्या है, मोटो है इसका यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, वहीं पर बात करें कितने देशों ने भाग लिया है, 205 देशों ने भाग लिया है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। प्लस ईओआर टीम, ये ईओआर टीम क्या है, तो रेफ्यूजीज, रेफ्यूजी का एक टीम है उसका, उसको ईओआर टीम कहा गया है। अगर इसको पूरे से जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वहां से आपको बता दूंगा ईओआर टीम। ठीक है, 16 एथलीट ने इसमें भाग लिया, लगभग 16 एथलीटों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि एथलीट्स की संख्या कितनी होंगी, तो 11,326। इवेंट्स कितने होंगे, 339 यानी कि 339 इवेंट्स होंगे, 33 स्पोर्ट्स होगा। ओपनिंग इसमें कौन कब होगा, हो रहा है 23 जुलाई 2021 को, और ये शुरू हो चुका है। आज हम 31 जुलाई को ये वीडियो बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं। 23 जुलाई 2021 से ये ओलंपिक शुरू हो चुका है, चलेगा 8 अगस्त तक। इसको ओपन किसके द्वारा किया गया था, एम्परर नारो हितो के द्वारा, और इसका मशाल किसके द्वारा जलाया गया, नाओमी ओसाका। तो हम लोगों का आज वीडियो है कौन से खिलाड़ी भारत से क्वालिफाई किए हैं किस खेल के लिए। तो चलिए देखते हैं एक एक करके और जानते हैं पूरी लिस्ट को। आर3 यानी कि तीरंदाजी में चार खिलाड़ी आर3 में क्वालिफाई किए हैं, तरुण दीप रॉय, अतनु दास, प्रवीण जाधव, दीपिका कुमारी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है तरुण दीप रॉय किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है तीरंदाजी से। अतनु दास किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है तीरंदाजी से। प्रवीण जाधव किस खेल से संबंधित है आर3 से। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है, तो बताना है आर3 से। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा ओलंपिक में, ओलंपिक 2021 में आर3 के लिए अतनु दास क्वालिफाई किए हैं, प्रवीण जाधव क्वालिफाई किए हैं, दीपिका कुमारी और किसी और खिलाड़ी का नाम ले लेगा, तो बोलेगा इसमें गलत कौन, तो उस तरह से भी जवाब देना पड़ेगा। तो आप इस लिस्ट को पूरी तरह से देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। तरुण दीप रॉय, अतनु दास, प्रवीण जाधव, दीपिका कुमारी, ये हैं, ये हमारे तरुण दीप रॉय, ये हैं अतनु दास, ये हैं प्रवीण जाधव और ये हैं दीपिका कुमारी। अतनु दास और दीपिका कुमारी पति पत्नी हैं, ठीक है, ये भी आपको, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया। बैडमिंटन में बैडमिंटन में चार खिलाड़ी क्वालिफाई किए हैं, पीवी सिंधु वुमेन सिंगल में, बी साई प्रणीत मेन सिंगल में, सात्विक राज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी मेन्स डबल्स में इन्होंने क्वालिफाई किया है। पीवी सिंधु यहां पर देख रहे हैं, बी साई प्रणीत यहां पर आप देख रहे हैं, सात्विक राज रेड्डी यहां है और चिराग शेट्टी ये है। तो इन ये चारों खिलाड़ी बैडमिंटन के लिए क्वालिफाई किए हैं। नाम याद रखिएगा, बैडमिंटन पीवी सिंधु,
बी साई प्रणीत, सात्विक साई राज रेड्डी, चिराग सेट्टी। नाम याद रखना बहुत जरूरी है, कॉन्फ्लिक्ट आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। आप अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ऑप्शन टिक कर पाएंगे। बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में कितने खिलाड़ी गए हैं, तो बॉक्सिंग में नाम एक जाना माना नाम है एमसी मैरी कॉम, गई हुई थी ठीक है, और ये हार कर इसने किसी कारणवश ये हार कर निकल गई है ठीक है। और यहाँ पर अभी अभी उस बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे कि कौन हारी, कौन मेडल लिया, कौन नहीं लिया, हम लोग केवल कौन से खिलाड़ी को ओलंपिक 2021 में क्वालिफाई की है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये है एमसी मैरी कॉम, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लवलीना बोरगोहेन ठीक है, और ये है पूजा रानी। तो आप तीन को याद कर ही लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसी मैरी कॉम, लवलीना बोरगोहेन, पूजा रानी। और भी एथलीट के बारे में हम लोग देख लेते हैं, विकास कृष्ण, आशीष कुमार, पूजा रानी, सतीश, अमित पंगल, एमसी मैरी कॉम, सिमरनजीत कौर और मनीष कौशिक, ये खिलाड़ी बॉक्सिंग के लिए क्वालिफाई हुए हैं। विकास कृष्ण, लवलीना बोरगोहेन, आशीष कुमार, पूजा रानी, सतीश, अमित पंगल, एमसी मैरी कॉम, सिमरनजीत कौर और मनीष कौशिक। आगे देखते हैं एथलेटिक्स में। देखिए दोस्तों, एथलेटिक्स में ओलंपिक, एथलेटिक्स के फील्ड में ओलंपिक में इंडिया का प्रदर्शन बहुत पुअर रहा है अभी तक ठीक है, बहुत पुअर रहा है। एथलेटिक्स हम लोगों का कमजोर कड़ी बनकर रहा है, इसमें हम लोग मेडल कभी नहीं लेकर आ पाए हैं ठीक है, बहुत दिक्कत होती है, एथलेटिक्स के खिलाड़ी यहां से नहीं जा पा रहे हैं। तो लेकिन इस बार सबसे ज्यादा संख्या में एथलीट्स भाग लिए हैं एथलेटिक्स में, सबसे ज्यादा संख्या में, ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए गर्व की बात है। क्वालिफाई किए हैं ये सब खिलाड़ी, जैसे कि नीरज चोपड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है किस खेल से संबंधित है, जेवलिन थ्रो से, किससे, जेवलिन थ्रो से, भाला फेंक से नीरज चोपड़ा, शिवपाल सिंह जेवलिन थ्रो से, अन्नू रानी वुमेन्स जेवलिन थ्रो से। तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, नीरज चोपड़ा, शिवपाल सिंह, अन्नू रानी जेवलिन थ्रो से। अब देखते हैं केटी इरफान, मेंस यानी कि मेंस कैटेगरी में 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग ठीक है, संदीप कुमार मेंस कैटेगरी 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग, राहुल रोहिला मेंस कैटेगरी 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग, गुरप्रीत सिंह मेंस कैटेगरी में 50 किलोमीटर रेस वॉकिंग, भावना जाट वुमेन्स कैटेगरी में 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग, वहीं पर प्रियंका गोस्वामी वुमेन्स कैटेगरी में 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग, अविनाश सावले 3000 मीटर स्टीपल चेज, ये स्टीपल चेज क्या है आपको जानना चाहिए ठीक है। स्टीपल चेज एक प्रकार का दौड़ होता है जिसमें इस तरह से बने हुए थे, तो आपको दौड़ इसे कूद कूद कर निकलना होता है ठीक है। तो स्टीपल चेज, मुरली श्री शंकर मेंस लॉन्ग जंप, एम पी जबीर मेंस में 400 मीटर हर्डल्स में, नीरज चोपड़ा, शिवपाल सिंह, अन्नू रानी आप देख लिए होंगे, तेजिंदर पाल सिंह तूर मेंस शॉर्ट पुट, दूती चंद्र वुमेन्स में 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में, वहीं पर कमलप्रीत कौर वुमेन्स डिस्कस थ्रो में, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, पूछा जाएगा कमलप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है, तो डिस्कस थ्रो आपको याद रखना है। सीमा पुनिया वुमेन्स डिस्कस थ्रो, तो दो खिलाड़ी हैं डिस्कस थ्रो की, कमलप्रीत कौर, सीमा पुनिया ठीक है। वहीं रिले टीम है 4x400 मिक्सड रिले टीम और मेन्स में 4x400 रिले टीम, तो इसमें मिक्स्ड में वुमेन्स और मेन्स दोनों होंगे, तो इतने होंगे आपके एथलेटिक्स में गए हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं घुड़सवारी में, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ये पूछा जाएगा ठीक है। घुड़सवारी में 20 साल बाद कोई क्वालिफाई कर पाया है इंडिया की ओर से, 20 साल बाद घुड़सवारी में इंडिया की ओर से कोई क्वालिफाई कर पाया है, फवाद मिर्जा जिनका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसको कान में खोज लीजिए, ये एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो ये फवाद मिर्जा है, यहां पर देखिए भारत के फवाद मिर्जा 20 साल बाद ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले घुड़सवार हैं। उन्होंने नवंबर 2019 में दक्षिण पूर्व एशिया और ओशनिक क्वालिफायर में इंडिविजुअल इवेंट कैटेगरी में शीर्ष पर रहने के बाद टोक्यो के लिए कोटा हासिल किया था। फवाद मिर्जा, नाम याद रखना है, घुड़सवारी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाले 20 साल बाद कोई एक खिलाड़ी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 अभी चल रहा है, इसमें पूछा गया था भवानी देवी किस खेल के लिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली खिलाड़ी है, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भवानी देवी ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर बन गई है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया ठीक है। और इस तरह से फवाद मिर्जा 20 साल बाद है तो वो इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये चेन्नई की रहने वाली है ठीक है, और ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट में बुडापेस्ट साबरी वर्ल्ड कप में एडजस्टेड ऑफिशियल रैंकिंग के जरिए टोक्यो 2020 का टिकट हासिल किया। आप इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको एक बार देख लीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। अब देखिए गोल्फ के लिए तीन खिलाड़ी हैं,
अनिर्बान लहिड़ी उदयन माने अदिति असो, ये आपका ये अनिर्बान लहिड़ी है उदयन माने, ठीक है, और अदिति असो यहाँ पर नहीं दिए हैं, लेकिन आप इतना जानिए अनिर्बान लहिड़ी किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से। उदयन माने किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से। अदिति असो गोल्फ से, और ये तीन खिलाड़ी ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई किए हैं। अब यहाँ पर देखिए जिम्नास्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिम्नास्टिक्स में भी इंडिया की ओर से बहुत कम खिलाड़ी जा पाते हैं या फिर क्वालिफाई कर पाते हैं, लेकिन क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है। इंडिया की ओर से सबसे पहली जिम्नास्ट जो थी, सबसे पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट थी, वो थी दीपा कर्माकर। वो कौन थे, दीपा कर्माकर, और अभी बन गई हैं प्रणति नायक दूसरी महिला जिम्नास्ट ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। दूसरी, और ये कलात्मक जिम्नास्ट, ठीक है, ये कलात्मक जिम्नास्ट है, यानी कलाबाजियां करती है, ठीक है। तो इस कैटेगरी में, जिम्नास्टिक कैटेगरी में प्रणति नायक 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी महिला जिम्नास्ट भारत की ओर से। वहीं हॉकी के बारे में देखें तो हॉकी में पुरुष हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम, तो ओलंपिक खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम 20वीं बार हिस्सा लेगी, वहीं महिला हॉकी टीम 3री बार। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक 2021 में कितनावा बार में क्वालिफाई की है, तो 20वीं बार ये गए हैं, और वहीं महिला टीम तो 3री बार। पुरुष टीम की कप्तानी कौन करेंगे, मनप्रीत सिंह, पुरुष टीम की कप्तानी मनप्रीत सिंह, और महिला टीम की कप्तानी रानी रामपाल करेगी। चलिए ये बात हो गया यहां से। अब देखिए जूडो में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जाएगा सुशीला देवी निकमाबम किस खेल से संबंधित है, तो आपको बताना है जूडो से, और जूडो से क्वालिफाई करने वाली सुशीला देवी निकमाबम टोक्यो ओलंपिक 2021 में क्वालिफाई करने वाली बन गई हैं, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा सुशीला देवी लिकमाबम। जूडो में भारत की तरफ से सुशीला देवी लिकमाबम टोक्यो 2020 में भारत की एकमात्र एथलीट होंगी, तो इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एकमात्र एथलीट सुशीला देवी लिकमाबम जूडो के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र एथलीट भारत की ओर से। तो चलिए अब आगे देखते हैं रोइंग जो होता है, जैसे आप चप्पू वाले नौका देखे होंगे, ये देखिए चप्पू चला रहे हैं, ठीक है, एक तरह से ये नौकायन ही है ना। रोइंग का मतलब रो में लोग बैठ जाता है, क्रम से बैठ जाते हैं, और चप्पू चला के जितने तेजी से हो सके अपने नाव को आगे की ओर लेके जाते हैं, मतलब अपने नाव को स्पीड से करके ये रेस करते हैं इसमें, ठीक है, रो में बैठकर। तो इंडिया से इस बार रोइंग के लिए दो खिलाड़ी सेलेक्ट हुए हैं, क्वालिफाई किए हैं, नाम है अर्जुन जाट और अरविंद सिंह। अर्जुन जाट और अरविंद सिंह, आपसे पूछा जाएगा अर्जुन जाट किस खेल से संबंधित है, ये है रोइंग से, अरविंद सिंह किस खेल से संबंधित है, रोइंग से। तो इन्होंने ओलंपिक 2020 या फिर बोल सकते हैं 2020 वाला 21 में हो रहा है ओलंपिक 2021 जो हो रहा है उसमें रोइंग के लिए कौन कौन खिलाड़ी क्वालिफाई हुए हैं, दो खिलाड़ी क्वालिफाई हुए हैं, अर्जुन जाट और अरविंद सिंह। अब हम लोग देखते हैं आगे, एक होता है सेलिंग, ये सेलिंग जो होता है एक ये भी नौकायन ही है, लेकिन समुद्र में जो नाव चलता है, ठीक है, समुद्र में जो नाव चलता है पाल वाली नाव आप देखे होंगे, उसका जो रेस होता है उसे सेलिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो सेलिंग में चार खिलाड़ी गए हैं, ठीक है, चार खिलाड़ी गए हैं, कौन, नेत्रा कुमानन, विष्णु सर्वनन, कैसी गणपति, वरुण ठक्कर। नेत्रा कुमानन, विष्णु सर्वनन, केसी गणपति, वरुण ठक्कर, ये चार खिलाड़ी गए हुए हैं सेलिंग के लिए, इंडिया की ओर से क्वालिफाई होने वाले ये सेलिंग के लिए, ठीक है। अप्रैल 2021 में आयोजित मुसनाह ओपन चैंपियनशिप में भारत की नेत्रा कुमानन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, नेत्रा कुमानन सेलिंग के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी जो कि ओलंपिक 2021 में क्वालिफाई की है। चलिए तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, आपको इसे याद रखना है। रेसलिंग में सात खिलाड़ी गए हुए हैं, कौन कौन, विनेश फोगाट, सीमा बिस्ला, बजरंग पुनिया, रवि कुमार दहिया, दीपक पुनिया, सोनम मलिक, अंशु मलिक। कौन, फिर से बोलते हैं, विनेश फोगाट, सीमा बिस्ला, बजरंग पुनिया, रवि कुमार दहिया, दीपक पुनिया, सोनम मलिक और अंशु मलिक। विनेश फोगाट आपसे पूछा जाएगा, सीमा बिस्ला किस खेल से संबंधित है, रेसलिंग से संबंधित है। बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है, रेसलिंग से संबंधित है। रवि कुमार दहिया किस खेल से संबंधित है, रेसलिंग से संबंधित है। दीपक पुनिया किस खेल से संबंधित है, रेसलिंग से। सोनम मलिक रेसलिंग से, अंशु मलिक रेसलिंग से। तो ये बात हो गया रेसलिंग के लिए। अब देखते हैं भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में, तो आप मैं जिस समय वीडियो बना रहा हूं मैंने बोला था केवल क्वालिफाई के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें
ये जो मीराबाई चानू आप देख रहे हैं, इन्होंने एक मेडल भी भारत के लिए लेकर आई है, सिल्वर मेडल। ठीक है, तो टोक्यो 2020 में मीराबाई चानू भारत के लिए भारोत्तोलन में एकमात्र प्रतिनिधि होंगी, और ये एकमात्र प्रतिनिधि थी और मेडल भी लेकर आ गई, तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मीराबाई चानू आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। टेनिस में सानिया मिर्जा और अंकिता रैना, सानिया मिर्जा और अंकिता रैना ये मिक्स्ड खेलेंगी। ठीक है मिक्स्ड खेलेंगी। और उसके बाद सुमित नागल है पुरुष एकल, यानी कि मेंस सिंगल है, और ये मेंस डबल में कौन कौन, सानिया मिर्जा और अंकिता रैना खेलेंगी टेनिस के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गया, तीन खिलाड़ी गए हैं टेनिस से। अब टेबल टेनिस की बात करें तो इसके लिए शरद कमल, साथियान, गणना शेखरन, सुतीर्था मुखर्जी, मनिका बत्रा, ये है मनिका बत्रा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है मनिका बत्रा, टेबल टेनिस से संबंधित है मनिका बत्रा, वही ये शरद कमल है। ठीक है, तो आपको चेहरे से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है चेहरा, आपको केवल नाम याद रखना है, शरद कमल टेबल टेनिस के लिए, मनिका बत्रा टेबल टेनिस के लिए, सुतीर्था मुखर्जी टेबल टेनिस के लिए, साथियान गणना शेखरन टेबल टेनिस के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गया यहां तक। अब हम लोग देखेंगे स्विमिंग के लिए कौन कौन इंडिया से क्वालिफाई हुए हैं। ये है साजन प्रकाश, श्रीहरि नटराज, माना पटेल। साजन प्रकाश किस खेल से संबंधित है, स्विमिंग से। श्रीहरि नटराज किस खेल से संबंधित है, स्विमिंग से। माना पटेल किस खेल से संबंधित है, स्विमिंग से। एक बार फिर से बोलते हैं, साजन प्रकाश, श्रीहरि नटराज, माना पटेल किससे, स्विमिंग से। अब हो गया यहां तक। शूटिंग के लिए 15 खिलाड़ी क्वालिफाई हुए हैं, शूटिंग के लिए 15 खिलाड़ी क्वालिफाई हुए हैं। ये खिलाड़ी का नाम इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अंजुम मौदगिल, अपूर्वी चंदेला, आप नाम को एक बार कान में हेडफोन लगाकर सुन लीजिएगा। देखिए मैं तो बोल रहा है, अंजुम मौदगिल, अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश सिंह पवार, दीपक कुमार, तेजस्विनी सावंत, संजीव राजपूत, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, मनु भाकर। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में इनसे कि मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है। यशस्विनी सिंह देसवाल, सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा, बहुत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राही सरनोबत इंपॉर्टेंट, इलावेलिन वलवारिन, ठीक है, अंगद वीर सिंह बाजवा, मैराज अहमद खान, एक बार फिर से सुनिए, अंजुम मौदगिल, अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश सिंह पवार, दीपक कुमार, तेजस्विनी सावंत, संजीव राजपूत, ऐश्वर्य प्रताप तोमर, मनु भाकर, यशस्विनी सिंह देसवाल, सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा, राही सरनोबत, इला वेलिन वलावरिन, वहीं पर अंगद वीर सिंह बाजवा और मैराज अहमद खान। तो ये शूटिंग के लिए गए हुए हैं, आप यहां से देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का अभी का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, इंफॉर्मेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा है दोस्तों, तो आप इसको लाइक करें, लोगों को शेयर करें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे। आप जरूर शेयर करें इसे अपने दोस्तों में, फेसबुक पर अपना स्टेटस लगाएं, व्हाट्सएप पर लगाएं, और लोगों को बताएं कि इस चैनल पर बहुत अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, फिर से मैं बोल देता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे हमारे द्वारा। आपके लिए हम मेहनत करने के लिए झुकेंगे नहीं, आप केवल एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बल्कि हम लोग आपके लिए पूरा मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट इतना मेहनत करके वीडियो लाते हैं। तो आप लाइक करने में कंजूसी ना करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। हम आपके साथ मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ एक नए सेशन में, और तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई को जारी रखिए। मैं मिलूंगा एक नए सेशन के नए इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने। जय हिंद, जय भारत।